श्री लेखराज पुत्र श्री ओम प्रकाश 332 बटालियन अज तो 8 साल पहला फौज विच भर्ती होया सी। दो महीने बाद विच ए शहीद दा ब्याह रखा होया सी। शहीद ने छुट्टी आना सी पर ब्याह करके कहिंदा मैं ब्याह ते एक बार ही छुट्टी ते आवांगा। जो उत्तरांचल विच चीन दे बार्डर ते गश्त कर रहे सी गिरफ्तार उत्थे रोटी खान बैठे ने ते बहुत वड्डी बर्फ दी टिकट थले डिग गई ते शहीद हो गया लेखराज। सो मैं सरकार अगे बेनती करांगा ये शहीद का बुत किसी चंगी जगह ते शहीद का बुत लगाया जाए और इन्हां दे परिवार का एक जी शहीद की जगह ते नौकरी रखा जाए ता कि साडे पिंड विच तकरीबन 80-90 जवान फौज में सेवा कर रहे ने ते होर भी बहुत सारे जवान नक्शा मुक्त हो के ग्राउंड विच 100-200 जवान डेली इत्थे गेमां करदे ने ते सारे जवान ही चाहुंदे ने कि असीं देश की सेवा करिए सो मैं सरकार अगे बेनती करांगा कि साडे पिंड दे होर जवानां नूं भी भर्ती किया जाए ते इस परिवार का एक जी जरूर रख्या जाए नौकरी च। रेख साहब की शहादत तो सानू बहुत वड्डा दुख है पिंड वालों नूं और पिंड वालों नूं माण भी बहुत है कि साडा बच्चा देश की खातर शहीद होया है। सानू बहुत माण है पिंड वालों नूं पर दुख बहुत वड्डा है क्योंकि बच्चे का ब्याह रख्या हुआ सी। दो महीने बाद बच्चे का ब्याह सी सारे पिंड विच सोग की लहर फैर गई है। तकरीबन सारे घरां विच रात रोटियां नहीं पक्कियां साडे पिंड विच। हमारे एक बहुत बहादुर सैनिक थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान चाइना बॉर्डर के ऊपर शहादत दी है। हमें उनके काम के ऊपर बहुत फख्र है और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो चले गए हैं लेकिन उनके परिवार और उनके भाई बहन उनके माँ बाप का फौज पूरा ख्याल रखेगी। वो हमारे लिए एक वीर पुरुष थे और हमेशा रहेंगे। लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे गए हुए थे और उसके अंदर एक हादसा हो गया जिसमें एवलांच आई तो उसमें वो शहीद हो गए। इसके साथ एक और जवान भी शहीद हुआ था जो कि बिहार के रहने वाले हैं और ये हुआ था जी। एक यूपी से सिपाही लेखराज जी। अज बहुत ही मंदभागा दिन हैगा कि साडी सब डिवीजन दे नायक सी जिहड़े लेखराज जी वो शहीद हो गए सीगे ते उन्हां दी जिहड़ी पार्थिक शरीर पिंड विच पहुँच चुक्या हैगा ते उन्हां दा जो अंतम अरदास जां संस्कार करना हैगा सरकारी सन्मानां नाल उहदे विच सारा पुलिस प्रशासन ते जिला प्रशासन वल्लों असीं सारे उन्हां नूं सन्मान देण वास्ते आए हां। सरकार दीआं हिदायतां मुताबक जो बनता होगा शहीद के परिवार की वित्तीय सहायता की जाऊगी तो सारा ही पिंड साडा सोगमई च हैगा। असी भी सारा प्रशासन जिहड़ा हैगा दिलों उन्हूं जिहड़े श्रद्धा के फुल भेट करन वास्ते इत्थे पहुंचे।